हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ इस पाउच का, ये जो फ्रूट चिल का पाउच है और इसको अलग अलग पार्टियों के ना अलग अलग पाउच साइज होते हैं। किसी का 32 ml आ रहा है, किसी का 40 ml आ रहा है, किसी का 60 ml आ रहा है, किसी का 72 है और किसी का 70 ml है। ठीक है, तो अगर अभी हम इसका पाउच का साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इसमें मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है सर, जब ये प्रोडक्ट पॉश्चराइजेशन होके और मिक्स कुछ जो बन के, मतलब फाइनल पॉश्चराइजेशन के बाद में जो होता है ना, तो पानी के इक्विवेलेंट इसका ना वजन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी है ना 70 ml है, इस पाउच का साइज है 42x250। ठीक है, और अभी हमें एक अलग प्रोडक्ट है किनिंगा, तो उसके लिए पाउच का साइज निकालना है 40 ml के लिए। तो 40 ml में मैंने इस सिरंज से इंजेक्ट करके दूसरा पाउच बनाया है, उसकी भी वीडियो इसी के पीछे है, तो प्लीज वो भी देखना। और किसी भी टाइप का पाउच का साइज निकालने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सुधाकर, थैंक यू। ये 40 ml है ये, 40 ml है, ठीक है, इसमें ठीक सिरिंज में है। ये 40 ml हमारा है और ये पाउच है पाउच है जो कि 42 के आसपास है ये, ठीक है। 42। चार 4 mm और 4 mm सीलिंग एरिया हो गया हमारा, ठीक है। इसका जो हमारा अभी लेंथ है, ये हमारा 250 था, ये 10 mm फाड़ने में लगा इसको, ठीक है। इसके अंदर हम ये 40 ml मटेरियल फिल करेंगे। इंजेक्ट कर रहे हैं हम, तो हमारा पाउच का साइज आ जाएगा कि कितना हमें रखना है। ये हमारा फ्री डोजिंग है इसमें, अब ये हमारा सैशे बना है सर, इसमें से मैं थोड़ा सा एयर निकाल देता हूं। अब ये हमारा साइज बना है सर इसका, ठीक है। इसमें सीलिंग के साथ में 180 वही है सर, 180 आया है ये, ठीक है, जिसके अंदर हमारा इतना स्पेस एम्प्टी है ताकि जब ये फ्रीज होगा तो फ्रीज होने के बाद जो गैस बनेगी या कुछ भी बनेगी एक्सपैंड होगा तो आपका पाउच बर्स्ट होके फटेगा नहीं। 180 के आसपास आया ये रहा 180, और सेफ साइड लेके चलना है तो 190 180। कर लो। अगर सेफ साइड लेके चलना है बिल्कुल तो 190 कर लो, है ना। अगर ये 180 ज़्यादा ठीक है, अच्छा 180 सफिशियंट है। बस अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये अगर हम 67 ml डालते हैं तो इसमें पॉस्चराइज रहे तो 5 g इसका वेट बढ़ जाता है। अगर ये 65 ml है तो 65 + 5 हो गया हमारा 70 ग्राम्स हो जाएगा ये हमारा। 65 ml में 70 ग्राम्स है ये, क्योंकि इसमें पॉस्चराइज है, शुगर है और भी दो तीन प्रोसेस से होके जाता है ये, तो इस वजह से इसका ML के अंदर 5 g वेट बढ़ गया, तो ये इसकी बल्क डेंसिटी हैवी है। ये वाटर है हमारा, तो अगर हम इसमें बल्क डेंसिटी डालते हैं, शुगर और जो भी कुछ ऐड होगा, तो वेट इससे कम ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, ये लेवल कम जाएगा, कम जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी वाटर की डेंसिटी हमारी 1 है, तो वाटर के हिसाब से 180 के अंदर हमारा 40 ml मटेरियल आ गया। और 40 ml में मतलब 142x180। हाँ, 42x180, 4 mm सीलिंग एरिया, नीचे 5 5 mm, और 180 सफिशिएंट है, 90 करवाओ। 180 सफिशिएंट है, क्योंकि अगर शुगर भी डलेगी तो बल्क डेंसिटी बढ़ेगी, तो वेट कम होगा। ठीक, ओके।